सेंटर कलेक्शंस को। जी हाँ, जैसा कि आप सबको अब तक पता चल ही चुका होगा कि मुझे घर सजाने का बहुत शौक है, तो मैं अलग अलग जगह से घर सजाने का सामान खरीदती रहती हूँ। और इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कि मैंने होम सेंटर से क्या क्या खरीदा है। अब हम सबके शहर में, जो बड़े शहर में रहते हैं, वहाँ पे होम सेंटर तो है ही, तो अगर आपको इनमें से कोई भी आइटम पसंद आता है तो आप भी जाकर के खरीद सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन आइटम्स का लिंक भी दे दूंगी। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और ये प्रोडक्ट्स मैंने अपने घर के लिए खुद खरीदा है और आपके साथ में से शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला प्रोडक्ट है मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो है ये है एक टी लाइट होल्डर, या फिर आप इसके अंदर में स्ट्रिंग लाइट्स भी रख सकते हैं जैसे कि मैंने रखे हैं। तो मैंने इसके अंदर में स्ट्रिंग लाइट्स को प्लेस कर दिया और इसे कनेक्ट कर देने से बहुत सुंदर लगता है रात में। ये भी होम सेंटर का है और इसकी प्राइस है 69। तो ये अभी भी होम सेंटर में आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सेकेंड प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट है ये कटलरी होल्डर और ये बहुत सुंदर है, बेज कलर में है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल होम्स। मेरे घर के बाकी थीम से ये अच्छा मैच करता है। दिस इज सेफ फॉर माइक्रोवेव एंड ऑल्सो फॉर डिश वॉशर, और इनफैक्ट ये फ्रीजर के लिए भी सेफ है, तो आप चाहे तो इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं, डिश वॉशर में धो सकते हैं। मैं इसमें वुडन स्पैचुला स्टोर करती हूँ और इसकी प्राइस है 699 रुपीज। तो ये भी 699 रुपीज का ही। थर्ड प्रोडक्ट है वो भी दिखने में बिल्कुल इस वाले जैसा ही है, पर दिस इज अ कुकी होल्डर, तो इसपे आप कुकीज रख सकते हैं। इसमें भी सेम लिखा हुआ ब्यूटीफुल होम्स और ये भी वैसे ही बेज कलर में है। ये देखिए ऊपर लिड है, तो आप लिड को खोलें और अंदर आप सामान स्टोर कर सकते हैं। मैं एज अ डेकोर पीस से इस्तेमाल करती हूँ। इसकी प्राइस है 899 रुपीज और ये भी माइक्रोवेव और डिश वॉशर के लिए बिल्कुल सेफ है। तो ये है 899 रुपीज का। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है ये मसाला होल्डर। ये आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, इसमें इस तरीके से जार दिया हुआ है शीशे का जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं, और इसके अंदर में स्प्रिंकलर भी है और ये ऐसे रोटेट हो जाती है, तो ये बहुत यूजफुल है। इसकी प्राइस मुझे याद है इट वॉज अराउंड 1000, मतलब 999 का इसका प्राइस था। आई थिंक ये रणबीर बरार के जो सेक्शन आते हैं ना होम सेंटर में, वहाँ से मैंने लिया था। ये बहुत ही अच्छा है और मैं अभी फिलहाल इसे 3 महीने से यूज कर रही हूँ। चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ प्रोडक्ट क्या है। फोर्थ प्रोडक्ट है ये फ्रूट बास्केट। ये बहुत ही खूबसूरत है और ये काफी स्टर्डी भी है, साइज भी काफी बड़ा है इसका, आप देख सकते हैं मेरे हाथों पे, और मैं इसे अपने सेंटर टेबल पे यूज करती हूँ। बहुत सुंदर है। तो आपने देखा होगा शायद पिछले बिग बॉस के सीजन में भी ये उन्होंने यूज किया था। बहुत सुंदर पीस है। इसकी प्राइस 799 रुपीज की थी मुझे याद है। मुझे मोस्टली अपने घर के सारा जो भी चीजें मैंने खरीदी है मुझे उनका प्राइस बिल्कुल याद रहता है। हाँ, तो ये एक अच्छा परचेज है। उसके बाद नेक्स्ट है दो बॉटल्स। ये दो बॉटल्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे क्योंकि मुझे ग्रे कलर बहुत पसंद आते हैं, मतलब ग्रे कलर की कोई भी चीजें मैं जरूर खरीदना पसंद करती हूँ, स्पेशली मेरे घर के पूरे थीम पे बहुत अच्छा मैच करता है। तो ये भी ग्रे कलर में है, आप देख सकते हैं इसके नीचे ये वाला पोर्शन और ऊपर ये, इसके नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन जो है वो सिल्वर कलर में है, और ये एक्चुअली वो ब्लैक सिल्वर है पूरा, वो शाइनी वाला नहीं है, ब्लैक सिल्वर है। तो ये दो बॉटल्स है, शेप भी मुझे इसके बहुत अच्छे लगे थे। ये देखिए कितने चमक रहे हैं, और आई थिंक सो ये सेट में आया था और दोनों मिला करके इसका प्राइस था 499, मतलब 500 रुपीज की ये दो बॉटल है। मुझे बहुत पसंद आई थी बॉटल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा। ये मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है और ये है एक बाथ रोब। मैंने ऐसे दो बाथ रोब्स खरीदे हैं। मेरे बाथरूम, मास्टर बाथरूम का जो थीम है वो है ब्राउन एंड ग्रे, इसलिए मेरे टाइल्स ब्राउन है और कुछ एलिमेंट्स भी ब्राउन है, पर मोस्टली जितने भी यूज करने के आइटम्स होते हैं, चाहे वो सोप होल्ड डिस्पेंसर होल्डर हो, सोप डिस्पेंसर हो, टूथब्रश होल्डर हो, टॉवल्स हो, और जो भी इस तरह की चीजें होती हैं मूवेबल आइटम्स, वो मैं ग्रे में ही खरीदना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने ये बाथ रोब्स भी ग्रे में लिया, दो लिया मैंने, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, होम सेंटर से लिया है, और इसकी प्राइस है 999 फॉर ईच, तो मतलब 1000 रुपये का एक है, 2000 में दो लिए हमने। अच्छा क्वालिटी है, हम यूज कर रहे हैं फिलहाल 2-3 हफ्तों से,
एंड बहुत जल्दी सूख भी जाता है एंड बहुत सुंदर हमारे थीम पे भी दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है ये एक्चुअली एक डेकोर पीस है, एक बहुत ही पीसफुल फेस है यहाँ पे विद अ स्माइल और इस तरीके से दिखता है ये। साइज भी इसकी काफ़ी अच्छी है, मेरे ख्याल से लगभग 1.5 फीट जैसी हाइट है इसकी, यानी कि कह सकते हैं आप 18 इंच जैसी हाइट है। और इसकी प्राइस है 399 यानी कि 1400 रुपीज़, तो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। और बहुत सुंदर सा एक शिमरी गोल्डन सा चेहरा है इनका, तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया था और मैंने देखते ही खरीद लिया था। तो अगर आपको दिखे तो आप ट्राई करिए, आपके थीम पे अगर मैच करता है तो बहुत सुंदर लगने वाला है। नेक्स्ट आइटम है ये जग, ये ट्रांसपेरेंट सा जग है और यहाँ पे हैंडल है, बहुत सुंदर सा हैंडल दिया हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें पानी सर्व करना या कुछ भी ड्रिंक सर्व करने में बहुत सुंदर लगेगा, स्पेशली रसना सर्व करते हो आप अगर या फिर ऐसा रूह अफजा वगैरह, ये बहुत सुंदर है, पूरा ही ट्रांसपेरेंट है। और इसकी प्राइस है अगेन 599 मतलब 600 रुपीज़ की प्राइस है इसकी। तो ये हो गया। फिर है ये छोटू सा एक प्लेट है, बहुत क्यूट सा प्लेट लगा था मुझे, मेरे स्टडी रूम के साथ में थीम पे जाता है क्योंकि वहाँ का थीम है ब्लैक वाइट एंड येलो, तो मैंने ये प्लेट लिया था, बहुत क्यूट सा प्लेट है। आप अपने घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसमें कुछ सर्व कर सकते हैं उन्हें। और इसकी प्राइस है सिर्फ 200 रुपीज़ और बहुत सुंदर प्लेट है, बहुत क्यूट है। ऐसे बहुत सारे डिजाइन के वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो मुझे ये स्पेशली बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अभी बहुत रिसेंटली मैंने खरीदा है ये प्लेस मैट्स, अभी आप इसको प्लेस मैट्स भी बोल सकते हैं या फिर पता नहीं प्लेस मैट्स की तरह ये कुछ ट्रे है या कुछ तो है, क्योंकि ये MDF का है एक्चुअली, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऐसा पीछे बोर्ड है MDF का और उसके ऊपर में ये पेस्ट किया हुआ है एंड ऊपर में एक शीट लगी हुई है, कुछ एक्रेलिक काइंड ऑफ शीट है इसके ऊपर। तो ये मैं जनरली अपने मैं एक्चुअली इसको डाइनिंग टेबल के प्लेस मैट की तरह यूज़ करती हूँ, हार्ड बाउंड है ये, पर इसको आप ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कुछ अगर छोटा मोटा, पर ज़्यादा हैवी आइटम्स नहीं, कुछ अगर लाइट वेट का आपको सर्व करना हो जैसे एक कप या दो कप चाय, तो ऐसे ट्रे भी यूज़ हो सकता है। इसकी डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, आप देखेंगे तो ब्लू लाइट ब्लू कलर डार्क ब्लू कलर, मेरे घर के थीम पे ये मैच कर रहा था तो मैंने ये लिया। और मैंने इसे 4 लिए हैं, इस साइज़ के 4, और इस साइज़ के मैंने 2 लिए हैं, सेम डिज़ाइन है बस इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी छोटी है। तो ये बड़े वाले का प्राइस है 249 for 1, तो 4 आए मतलब लगभग 1000 रुपये का 4 है ये, और इसकी प्राइस है 200 रुपीज़, तो ये 2 लिए तो 400 का हुआ, तो मतलब 1500 अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपीज़ का ये सेट आया है। तो ये बहुत सुंदर लगा मुझे, कलर काफ़ी खी के आता है एंड वो पहले जो इस तरीके से प्लेसमेंट हम यूज़ करते हैं उसके बदले फॉर चेंज ये वाला भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट आइटम है ये एक बहुत ही सुंदर सा आप कह सकते हैं फ्रेम है जिसमें कि आप पिक्चर्स हैंग कर सकते हैं, और पिक्चर्स हैंग करने के लिए इस तरह से छोटे छोटे क्लिप्स दिए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्लिप्स दिए हुए हैं और इसमें आप ऐसे पिक्चर्स हैंग कर सकते हैं। तो ये भी मेरे गेस्ट रूम के थीम से मैच कर रहा था, वाइट है ब्लैक है थोड़े बहुत कलरफुल है, तो ये मैंने पिक किया। इसकी लगभग 2 फीट जैसी इसकी लेंथ लग रही है मुझे और आई थिंक सो 1.25 फीट जैसी इसकी चौड़ाई हाइट होगी। और इसकी प्राइस अभी आप नहीं लिखी हुई है पर मुझे इसकी प्राइस अच्छे से याद है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1800 रुपीज़ का था, हाँ आई एम श्योर यस, तो ये 1800 रुपये का था, बहुत सुंदर मुझे लगा देखते ही और मैंने अपने। तो यही आइटम्स थे जो मैंने होम सेंटर से लिए हैं, बाकी जो आइटम्स मैंने घर में देख रहे हैं वो अलग अलग जगहों से हैं, कुछ अलग सिटीज से भी हैं जहाँ हमने ट्रैवल किया तो हम वहाँ से कुछ लेके आए, जैसे गोवा से है दिल्ली से है, कुछ हमने मंगवाए हैं आउट ऑफ कंट्री से या फिर कुछ राजस्थान से मंगवाए हैं, और कुछ अलग अलग वेबसाइट से हैं या अलग अलग स्टोर्स जो होते हैं डेकोर पीसेस के, बहुत सारे स्टोर्स हैं बैंगलोर में, जेपी नगर जयनगर कोर बंगला MG रोड, तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से भी हमने ली हैं, तो आगे मैं उसकी वीडियोज भी बनाऊंगी। अभी रिसेंटली जब मैं होम सेंटर गई थी, मैं होम सेंटर अक्सर जाया करती हूँ, मतलब 2 महीने में या 1.5 महीने में मैं एक बार चली जाती हूँ, तो वहाँ पे अलग अलग आइटम्स आते रहते हैं, और क्योंकि
कि मुझे खरीदने का शौक है, तो अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरे घर के डिजाइन से डेकोर से मैच करता है तो मैं वो जरूर खरीद लेती हूँ। अभी जब मैं हाल फिलहाल गई थी, जब मैंने बाथ रोब्स लिए, तो मुझे वहाँ पे रणबीर बरार की एक बहुत ही अच्छी मैगजीन मिली। अलग अलग मैगजीन्स वो लोग लाते रहते हैं, क्योंकि वो हर 6 महीने में या 1 साल में लाते हैं। तो इस बार मैं गई थी तो मुझे ये आर्ट ऑन अ प्लेट का एक मैगजीन वहाँ पे मिला कॉम्प्लीमेंट्री मेरे परचेस के साथ में, जहाँ पे रणबीर बरार जो कि एक शेफ हैं, इन्होंने बहुत सारे रेसिपीज दे रखे हैं स्टेज वाइज। तो अगर आप देखेंगे तो हर एक स्टेज का, यानी कि कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, इस तरह के हर एक स्टेट के फेमस फेमस डिश के बारे में इन्होंने इस बुक में दिया है। और फिर हर एक डिश को इन्होंने बनाना सिखाया है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी फोटोग्राफी है हर एक डिश की, और फिर उन्होंने उसकी रेसिपी जो है वो भी दी है। और ये कितने पेज की बुक है पता है? ये बुक है 108 पेज की, यानी कि इसमें 106 या 105 रेसिपीज हैं, और हर एक स्टेट की बहुत सारी रेसिपी है। अगर मैं रेसिपी की बात करूं कि बिहार से इन्होंने क्या क्या दे रखा है, क्योंकि मैं बिहार से हूं तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बताती हूँ। बिहार से इन लोगों ने दे रखा है दाल पीठा, लिट्टी चोखा और ठेकुआ। असम से आलू पिटिका, मसूर, टेंगा, इस तरीके से पंजाब से छोले, साग वगैरह वगैरह। मेरे हस्बैंड गुजरात से हैं, तो गुजरात से इन्होंने भिंडी सांभरिया, सूरती लोचो, सूरती उंदियू, मलाई मोहन थाल, कढ़ाई पात्रा, सिंधी बेसन की टिक्की की सब्जी और सिंधी कढ़ाई दे रखी है। तो ये बहुत मुझे पसंद आया ये बुक्स, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कुछ रेसिपीज जो है वो ज़रूर बनाऊँ। कभी इस तरह के मैगजीन्स मिल जाते हैं, तो कभी इनके कैटलॉग्स मिल जाते हैं। जैसे ये कैटलॉग्स हैं मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं अक्सर जाती रहती हूँ। तो ये देखिए, होम सेंटर दिवाली एडिशन, होम सेंटर ये, और ये इस तरीके से बहुत सारे कैटलॉग आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे इनके सारे आइटम्स जो होते हैं ना वो लिस्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से सारे आइटम को ये लिस्ट कर देते हैं विथ प्राइस। तो आप चाहे तो ये स्टोर में घूमने के बजाय, बहुत लोग इसे बड़े रेफर करते हैं कि वो क्या खरीदना चाहते हैं, और उस तरीके से भी लोग फिर वो खरीदते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई भी एक चीज़ की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल है, तो इसका इन्होंने यहाँ पे प्राइस दे रखा है कि ये कितने का पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से भी वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाता है, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, मेरे इंटरेस्ट का फील है, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। और चीज़ें भी इनकी अच्छी होती है, इम्पोर्टेड क्वालिटी की होती है, तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग, छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगा हो। मैं आगे भी शेयर करूंगी कि मैंने बाकी और किस किस दुकान से क्या खरीदे हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी खरीदना हो तो आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, या तो फिर अपने घर के पास से किसी शॉप में जाइए और खुद ही एक्सप्लोर कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप मेरे साथ में बने रहे, मेरे वीडियोज को देखते रहे। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में अपना एक डांस का एक वीडियो पोस्ट किया था, तो अगर आप लोगों ने अब तक चेक नहीं किया है तो प्लीज चेक कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको वो अच्छे लगे, और आप क्या चाहते हैं कि मैं और डांस के वीडियोस डालती रहूं, या फिर आप मेरे रेसिपीज देखना चाहते हैं या मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो मेरे सब बताइए भाई, मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए मेरे वीडियोज को, शेयर करिए फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए अच्छे वीडियोज और बनाती रह सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मुझसे जुड़े रहें, बाय।